नमस्कार, स्वागत है आपका अपने द क्रस्ट हब चैनल में। आज हम अपने किचन में बनाएंगे मूंग दाल की नमकीन। मूंग दाल की नमकीन बहुत ही हेल्दी होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए हम देखते हैं, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है इसे बनाने की और ये फटाफट बन जाती है। तो हम देखते हैं इसके बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने मूंग दाल लिया है, 1 कप मैंने मूंग दाल लिया है। ये धुली हुई मूंग दाल है और इसे मैंने साफ़ कर लिया है ताकि इसमें कोई गंदगी न रह जाए। बिना छिलके वाली मूंग दाल आप यूज़ करें और उसे हम एक बर्तन में डाल करके और पानी डाल के ऐसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देंगे। इसमें मैंने खाने का सोडा डाला है, थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडा आप यूज़ करें और इसे मिला करके 4 से 5 घंटे के लिए हम किनारे रख देंगे ताकि ये हमारी दाल फूल जाए। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, ये देखिए दाल कितनी अच्छी से फूल गई है। अभी इसे हम पानी से धो लेंगे, 3 से 4 बार हम पानी से इसे वॉश कर लेंगे। ये देखिए मैंने वॉश कर लिया है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी मैंने निकाल लिया है और आप इसे बहुत अच्छी तरीके से धो लें। अब एक मैंने सफ़ेद कॉटन का कपड़ा लिया है, सूती कपड़ा, उसके ऊपर मैंने ये दाल को फैला लिया है। इसे बहुत अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे और इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे और इसे पंखे के नीचे आप टेबल पे कहीं भी 3 से 4 घंटे के लिए सूखने देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। इसे हम धूप में बिल्कुल नहीं सुखाएंगे, इसे पंखे की हवा के नीचे सुखा लेंगे। 3 से 4 मिनट में हमारी दाल सूख जाएगी और बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए 3 से 4 घंटे हो गए, मैंने दाल को सुखा लिया है और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल सूख चुका है। हमें ऐसी ही सूखी दाल चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे हमें बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस आगे फॉलो करना है और अब हम इसकी नमकीन बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पर रख ली है और गैस ऑन कर दिया है और उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। थोड़ा सा हम ज़्यादा ऑयल की मात्रा करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। जब हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाए तब इस प्रकार की एक छन्नी का यूज़ कर रही हूँ मैं। आपके पास अगर ऐसी छन्नी ना हो तो आप आटा चालने वाली छन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे हम इस तरीके से रख लेंगे, वो तेल में आधी डूबी होनी चाहिए और हम इसमें धीरे धीरे करके मीडियम फ्लेम पर दाल को डालेंगे और बहुत ज़्यादा हम दाल नहीं डालेंगे, उतना ही दाल डालेंगे जितना हमारा तेल में डूब जाए और इसे हम कंटिन्यूस चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये फ्राई होना बंद ना हो जाए। जब ये फ्राई हो जाएगा तो आपको कैसे पता चले, तो ये देखिए ये इस तरीके का हो जाएगा, मतलब ऑयल बबल्स आना बंद हो जाएंगे तो हमारा ये फ्राई हो जाएगा। अब हम इसे साइड में एक टिश्यू पेपर पे या किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ही एब्जॉर्ब कर ले। इसी तरीके से हम सारे दाल को ऑयल में फ्राई कर लेंगे और उन्हें हम किचन टॉवल या टिश्यू पेपर पे ऐसे निकाल लेंगे। इससे हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो जल्दी ही टिश्यू ऑयल में आ जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसे हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारी दाल जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है और मैंने किचन टॉवल यहाँ अभी चेंज कर दिया था, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो गया था। तो ये मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ ताकि हमें मसाले मिलाने में आसानी हो। अब हम इसमें नमक डालेंगे। हम 2 तरीके की नमकीन बनाएंगे, एक सिर्फ नमक वाली जो मार्केट में मिलती है, नॉर्मली आप देखे होंगे यही वाली नमकीन अवेलेबल होती है। तो अगर आपको मसाले पसंद नहीं है तो आप सिर्फ नमक डाल के इसको एयर टाइट कंटेनर में रख करके और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 2 तरीके से बना के दिखाती हूँ आपको। आधा मैंने सिर्फ नमक डाल के निकाल लिया है और बाकी जो है उसे मैं मसाले के साथ बनाऊंगी। यहाँ मैंने चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसका एक मिक्सर तैयार किया है और उसे हम इसमें डाल लेंगे। नमक तो हमारा पहले से ही डला हुआ है और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही चटपटी नमकीन बनके तैयार होगी। और तो आपको जैसा नमकीन का फ्लेवर पसंद है आप उस हिसाब से मसाले डाल सकते हैं, उसको इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको इसमें मूंगफली भी खाना पसंद है तो आप मूंगफली भी फ्राई करके डाल लें। थोड़े मसाले मैंने और मिक्स किए और ये बहुत ही चटपटी बनती है। शाम की छोटी मोटी स्नैक्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
इन सबको आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप 15 टू 16 डेज आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्लेन नमक की है और ये मसाले वाली नमकीन है। दोनों नमकीन बहुत ही यम्मी है, आप बिल्कुल अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये नमकीन कैसी लगी। ये बहुत ही हेल्दी है, मूंग दाल वैसे भी बहुत हेल्दी होता है बॉडी के लिए और हमारी सेहत के लिए। आप इसमें अपने हिसाब से चीज़ों को मिक्स करके और नमकीन के साथ दूसरी नमकीन के साथ इसे मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें।